हेलो एवरीवन, आप लोग तो देखिए, इंडियाज एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका ट्रिपल अंडर जीरो टैरिफ रिजाइम। तो एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया से ट्रिपल हो गया है जीरो टैरिफ रिजाइम के अंदर। देखते हैं क्या है। ये बंदा तभी खुश दिख रहा है, इंडिया से पैसा खूब मिल रहा है। इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ ऑलमंड्स, बीन्स, ऑरेंजेस, वाइन्स, लेंटल्स, पल्सेस, प्रोसेस्ड एग्रो फूड, शीप, मीट एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया हैव राइजन सिग्निफिकेंटली सिंस द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट ECTA केम इन टू इफेक्ट अ ईयर अगो। निक चैम्पियन, ए निक चैम्पियन खुश हो रहे हो। मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साउथ ऑस्ट्रेलिया, द मिनिस्टर हु वॉज ऑन द 6th इंडिया टूर स्पोक टू द हिंदू। साउथ ऑस्ट्रेलिया हैज बिन विटनेसिंग ग्रोइंग इम्पोर्ट डिमांड फॉर लेंटल, पल्सेस पल्सेस एंड सच अदर फूड्स आइटम फॉलोइंग द जीरो टैरिफ रेट इंडिया इंट्रोड्यूस लास्ट, रिजल्टिंग इन फूड, वाइन एंड एग्री बिजनेस सेक्टर एक्सपोर्ट इंडिया ग्रोइंग मोर देन 200% इन 12 months अंटिल 2023। ही सेड हिज स्टेट वाज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू इट्स एक्सपोर्ट टू इंडिया, स्पेशली प्रोडक्ट सच एज फूड एंड वाइन, फूड प्रोडक्ट बिल्डिंग अपॉन द एलिमिनेटेड टैरिफ ऑन ओवर 5% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गुड्स व्हिच विल राइज टू 90% जनवरी 2026। अबाउट ऑल दिस, इंडिया इज द फास्ट ग्रोइंग मार्केट प्रीमियम एग्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रीमियम एग्री प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। फूड आइटम्स एंड हाई वैल्यू वाइन्स विद कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम ऑन द राइज, द मिनिस्टर ऑब्जर्व्ड। इन्होंने एक चीज तो ली इंडिया के बारे में कि इंडिया मार्केट अच्छा है। चलिए एंड में डिस्कस करते हैं। ग्रोथ एवेन्यूज क्या है। इंडिया इज साउथ ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट विद द एक्सपोर्ट वर्थ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.1 बिलियन ऑफ गुड्स लास्ट 12 months, अ फिगर दैट हैज राइजन बाय 11% इन द प्रीवियस ईयर। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, इंडिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया शेयर कॉमन गोल्स, पर्टिकुलरली इन ऑफ क्लीन ग्रीन प्रीमियम प्रोड्यूस, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, इंटरनेशनल एजुकेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस इंडस्ट्रीज। एज इंडिया सीक्स टू ग्रो 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय अंडरपिनिंग इट विद डिजिटल डिजिटेक इनोवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, साउथ ऑस्ट्रेलिया इज पॉइज्ड टू बिकम अ पार्टनर ऑफ चॉइस इन एरिया सच एज ई कॉमर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग IT, डिफेंस एंड स्पेस, इंटरनेशनल एजुकेशन। मिस्टर चैम्पियन सेड ड्यूरिंग हिज टूर द मिनिस्टर मेट विथ हिज काउंटरपार्ट इन कर्नाटका, मिस्टर MP पाटिल। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो देखिए, इंडिया को इन्होंने क्या देखा है। इंडिया जो है क्या हो रहा है, ग्रोइंग मार्केट। ठीक है, ग्रोइंग मार्केट है। किसके वजह से, किसका? पहली बात तो प्रीमियम एग्री प्रोडक्ट्स का, फूड आइटम्स का, वैल्यू वाइन्स का, तीन का। एग्री प्रोडक्ट जो आपके प्रीमियम है, सेकंड आप देखिए फूड आइटम्स, फूड आइटम, और थर्ड आप देखिए हाई वैल्यू वाइन, हाई वैल्यू वाइन। ये तीन चीज इंडिया क्या ग्रोइंग मार्केट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजेबल जो है लोगों का बढ़ रहा है। आप देखिए, क्या इंडिया का लाइफ इंक्रीज हो रहा है, लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, तभी तो वाइन पी रहे हो। नहीं तो पहले जब लाले पड़े थे तो वाइन कहाँ से पियोगे। तो अब खाने का वो पूरा हो गया, तो लोग अपने स्टैंडर्ड उठा रहे हैं, स्टैंडर्ड उठा रहे हैं तो वाइन पी रहे हैं। पहले एग्री प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रीमियम एग्री प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अंतर देख रहे हो, पहले आपको बेसिक फूड आइटम्स, अब आपको बढ़िया बढ़िया प्रीमियम फूड आइटम्स चाहिए। तो ये क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है हमें पता होना चाहिए। क्या जो इनकम होती है टैक्स उसमें से कटने के बाद जो बचता है, इन हैंड जो बचता है उसको डिस्पोजेबल बोलते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं जो आप प्रॉपर अपने ऊपर खर्च कर सको। लोग का बढ़ रहा है। अब देखो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये जो IT फील्ड है ना, IT फील्ड वो लोगों को जेब में डाल रहा है ढेर सारा पैसा,
और लोगों का बढ़ गया है। अब देखो पहले जो जिसके घर की इनकम थी पूरे मतलब घर की इनकम 50,000 रुपये 50K पर मंथ, अब वो इंजीनियरिंग करके आ रहा है इन्फोसिस विप्रो आपके एसेंचर इन सारी कंपनियों में कर रहा है TCS। अब उसकी इनकम और LTI उसकी इनकम टेक महिंद्रा उसकी इनकम कहीं ना कहीं हो जा रही है 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ LPM हो जा रहा है उसका। तो देखिए उसका अपने आप डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जा रहा है। अब इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है, देखो हर घर की कोई ना कोई ख्वाहिशें होती हैं, हम ये करेंगे हम वो अच्छा खाएंगे अच्छा पियेंगे, तो जब ये हो रहा है तो वो लोग खर्च कर रहे हैं क्योंकि आ गया, तो जब वो खर्च कर रहे हैं तो ये पैसा बाहर जा रहा है। अब देखो इंडिया है नीचे में, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया नीचे में, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह ये सब है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ से पैसा जा रहा है, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है आप बताओ, मतलब देख कर बताओ। तो इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया का क्या फायदा है, यही लोग जब अपनी कंपनी अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे अपनी कंपनी स्टार्टअप करेंगे सेटअप करेंगे खुद, तो ये सारी चीजें जब यहाँ बनाएंगे ना तब इंडिया में ग्रोथ होगी। भाई बाहर चीजें यूज कर रहे हो समझ में आ रहा है, पर खुद भी तो करो, तुम बिजनेस नौकरी छोड़ो बिजनेसमैन बनो। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पैसा बाहर जा रहा है तभी इन लोगों की मुस्कुराहट बता रही है हम लोग पे पैसा आ रहा है। ट्रूथ को देखो कई बार लोग देख नहीं, तो यही है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।